आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता जो हर समय अपनी ओर इस आत्मा को खींचता रहता है, जगाने के लिए बुलाता रहता है, और ये आत्मा उसकी ओर हर समय चलती रहती है। आप जब भक्ति शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भक्ति करें, आप लोग जब सोचते हैं, विचार उठता है भक्ति का कि हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें रास्ते पर चलना चाहिए, तो आसपास देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं चारों तरफ कि कैसे हो सकती है भक्ति। हम किसी देवता की तलाश करते हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, कि आसपास कोई पितरों की भक्ति शुरू करता है, कोई देवी देवताओं की भक्ति शुरू करता है, जैसा कोई आसपास होता है हम उसी रीति रिवाज के अनुसार भक्ति शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि भक्ति का रास्ता क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्या ये भक्ति करने के योग्य भी है या नहीं है, कैसे भक्ति हो, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, हमें किसकी खोज करनी है, कैसे हमें पहुँचना है, कौन सा ऐसा मार्ग है, हम नहीं जानते। बस हमारे साथ वाले लोग कहीं जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे चल देते हैं। कोई देवी की पूजा करने जा रहा है, चलो हम भी दर्शन करके आते हैं। कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, चलो हम भी चलते हैं। कोई मूर्तियों की पूजा कर रहा है, चलो हम भी चलते हैं। कोई किसी तांत्रिकों के पास जा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, हम उसी को श्रेष्ठ मान करके उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। ये भक्ति की शुरुआत है, जहाँ कोशिश करते हैं लोग कि व्रत करना, उपवास करना, कुछ पूजा पाठ करना, दीपक जलाना, कुछ बाहर की क्रियाकलाप करना, जल में कुछ बहा देना जीवों को। हम तो ऐसे हो गए हैं कि मछलियों को अगर आटा डाल लाए तो वो भी भक्ति समझते हैं हम लोग, चींटियों को अगर थोड़ा दाना डाल दिया उसको भक्ति समझने लगते हैं, हमने गऊ को अगर कुछ चारा खिला दिया उसको भक्ति समझने लगते हैं, कुछ और दान पुण्य कर दिया उसको भक्ति समझने लगते हैं, कुछ अनाथों के लिए कुछ कर दिया उसको भक्ति समझने लगते हैं। लेकिन भक्ति का अर्थ ही नहीं समझ पाए, हमें ये ही नहीं पता भक्ति होती क्या है, कैसे की जाती है। कुछ मंदिरों में सुबह शाम चले गए, आरती कर ली, समझते हैं हो गई भक्ति। हमारे तो बाबा जी आज बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा आरती हुई, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आज तो बहुत आदमी थे, वहाँ तो बहुत भीड़ थी, मेला बड़ा भारी था। अरे बड़ी बाबा जी की कृपा है, ये भक्ति नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं, आप इस प्रकार का करके सोच करके और तैयार हो करके इन बातों को करके अगर आपने ये मान लिया कि हम भगत हैं, तो आप भूल जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि न ये रास्ता है, न किसी वेद में ये रास्ता दिखाया है, न गीता जी के अंदर दिखाया है, न हमारे सदग्रंथों ने ये रास्ता दिखाया है, न हमारे ऋषि मुनियों का ये रास्ता है, न जिन्होंने खोज की उनका रास्ता है, न संतों का ये मार्ग है, न इससे कहीं जाया जा सकता है, न पहुंचा जा सकता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर कहीं शीश झुकाते रहे, कहाँ भक्ति हुई। अगर हम इन छोटे छोटे कार्यों के लिए इनको पूजा पाठ करते रहे,
आप सोचो आप रिश्वत देते हो देवी देवताओं के कि आप हमारा ये काम कर दो, हम ये काम कर देंगे। इस प्रकार से सौदेबाजी होती है देवी देवताओं के साथ। कैसा विचार है ये, कैसी भक्ति है ये, कैसा व्यवहार है ये? क्या हमने मान लिया कि परमात्मा कोई दुकानदार है? क्या हमने मान लिया कि वो तो देने वाला नहीं है, हम देंगे तब वो कुछ देगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमने अपनी सोच को इतना सीमित कर लिया कि सोच ही नहीं पा रहे, एक कदम भी नहीं उठ पा रहा। बातें इतनी बड़ी करते हैं और अंदर में जब झांक करके देखो कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाली मिलेगा। आप अपने तराजू में रख करके खुद स्वयं को देखिए, आपने कितनी भक्ति की है, कितना प्रयास किया है। क्या यही भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। क्या किसी पुस्तक का पाठ कर लेना मात्र भक्ति है? नहीं भक्ति है। क्या किसी पुस्तक को सुन लेना मात्र भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। क्या उसको समझ लेना मात्र भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। भक्ति का तो मार्ग ही दूसरा होता है। वहाँ शीश के बिना कोई सौदा नहीं होता, सिर के बिना कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता वहाँ, वो रास्ता ही अलग है। लेकिन वो शुरू कैसे हो? क्या वृंदावन जाने से शुरू होगा? क्या गोवर्धन की फेरी लगाने से शुरू होगा? या काशी जी जाने से शुरू होगा? या मस्जिदों में जाने से शुरू होगा? या गुरुद्वारों में जाने से शुरू होगा? अगर ये शुरुआत है तो कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपने सुना है कोई इन जगह जाने से किसी का जीवन मुक्त हो गया है? हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ एक भीड़ दिखाई देगी, एक मेला दिखाई देगा, ध्यान करने वालों का नहीं, मांगने वालों का। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई दुखों का निवारण मांगता है, कोई सुखों के लिए धन्यवाद करता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का तो मार्ग ही अलग है, भक्ति का तो रास्ता ही अलग है। लेकिन जब हम खोजेंगे नहीं तो इन्हीं चीज़ों को भक्ति मान करके बैठ जाएंगे। अरे आज तो बड़ी कृपा हुई उनकी, अगर 5,000 रुपये आ गए तो हम दे देते हैं कि 500 रुपये डाल दो, बड़ा खुश हो जाएगा परमात्मा। परमात्मा की खुशी के लिए नहीं, ताकि 500 हम डाल दें, कल को 50,000 मिले, फिर थोड़ा सा और आएगा, थोड़ा सा और डाल देंगे कि थोड़ा सा और डाल दो और परमात्मा खुश होगा। खुश भक्ति के लिए नहीं, ध्यान के लिए नहीं, वो जो हमारे काम न आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए हम इतना प्रेरित हो गए हैं कि वहाँ हम 10,000 देंगे तो वहाँ 10 लाख आ जाएंगे। अरे मैंने सुना है कि वहाँ तिरुपति के अंदर हम बैठे हुए थे तो वहाँ एक विचार चल रहा, लोगों बहुत लोग बैठे हुए, वो कह रहे हैं हमने तो है ना तो हमारा काम नहीं चल रहा था, हमने तिरुपति जी को अपना हिस्सेदार बना लिया, हमारा काम बड़ा तेज़ी से शुरू हो गया। मैंने कहा क्या केवल धन का हिस्सेदार बनाया या जीवन का भी हिस्सेदार बनाया? उन्होंने कहा जीवन का कैसे हिस्सेदार बनेंगे, उनका तो धन में साझा है बस। मैंने कहा क्या भजन का भी हिस्सेदार बनाया, सुमरण का भी बनाया या उनकी ओर कोई कदम भी बढ़ाया? उन्होंने कहा यही कदम बढ़ा तो दिया, तो इनको हम कदम बढ़ा हुआ मानते हैं। ये कदम बढ़े हुए नहीं हैं, ये कदम रुके हुए हैं। आप इन कदमों से वहाँ नहीं पहुँच सकते, इस सोच से भी वहाँ नहीं पहुँच सकते, जो आपके अंदर ये विचार खड़े हुए हैं इनसे भी नहीं पहुँच सकते। क्योंकि भक्ति का जो रास्ता है, कुछ लोग ज्ञान 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 के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और ज्ञान को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि भक्ति को निकृष्ट साबित कर देते हैं। कभी ज्ञान को ऊंचा साबित हो जाता है, भक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन क्या बिना भक्ति के ज्ञान कुछ काम का होगा? नहीं हो सकता, वो केवल तर्क होगा, केवल एक विचार मात्र होगा, केवल बुद्धि के अंदर जो विचार पैदा हुआ वो होगा, केवल बुद्धि की उपज होगी, वो काम नहीं आएगा। क्योंकि केवल बातों से अगर परमात्मा प्राप्त होता
तो हर कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, सिद्धों से नीचे कोई बात ही नहीं करता, परमात्मा से नीचे कोई बात ही नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई बात ही नहीं करता। तुलसीदास ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ वश करही विपर गुरु घात। कि ब्रह्म ज्ञान के नीचे कोई बात नहीं करेगा, कलयुग के अंदर सब ऐसे बात करेंगे जैसे इनको भी ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ये सब जानते हैं, लेकिन जानने वाला कोई नहीं है, उससे नीचे की कोई बात ही नहीं करेगा। न ध्यान की कहेंगे, न नाम की कहेंगे, न रास्ते की कहेंगे, न बस जब भी जिक्र होगा ब्रह्म ज्ञान का ही जिक्र होगा। लेकिन कोड़ियों के भाव विपर ब्राह्मणों की, ब्राह्मण यानी जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उनकी, और जो गुरु हैं उनकी, उनके ऊपर भी घात लगाए बैठे रहते हैं। ये खेल चल रहा है, आपको तो ये भी मालूम नहीं भक्ति क्या है, कैसे पहुँचे।